बोल रहे हैं कुबरा हिजामा एंड लीज सेंटर से। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में जब हमारा क्लिनिक खुलना स्टार्ट हुआ, तो अब हम आपके लिए एक और रिजल्ट लेके आए हैं पेशेंट का। इनका सिर्फ एक ही सेशन हुआ है लीज थेरेपी का। इन्होंने सेशन लिया था 8 मार्च को, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन हो गया था तो ये उसके बाद सेशन ले नहीं पाए थे। तो आइए हम आप पेशेंट का आपको रिजल्ट दिखाते हैं। आज ये अपने सेकंड सेशन के लिए आए हैं हमारे पास, तो एक सेशन में जो इनका रिजल्ट आया है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, देखिए पेशेंट की बिफोर की पिक है, जब इन्होंने सेशन लिया था, पहला सेशन लिया था हमसे 8 मार्च को। ठीक है, इसमें आप इनकी बॉल्डनेस देख सकते हैं, हेयर फॉल देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कंडीशन थी इनकी पहले बिफोर, और एक ही सेशन में इनके पास क्या रिजल्ट आया वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, लाइव रिजल्ट ऑफ द पेशेंट बिफोर, और जो अब है ये दिस इज आफ्टर। ये पेशेंट का रिजल्ट है आफ्टर वन सेशन ऑफ लीज थेरेपी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये आ नहीं पाए थे तो ये अब हमारे पास आए, हमारा सेंटर खुलना स्टार्ट हुआ है। तो इसमें आप लाइव रिजल्ट देख सकते हैं पेशेंट का। इसमें इनका बाल बड़ा हो रहा है, इनके बालों की लेंथ साइड के हेयर्स के बराबर ही है, आगे के बाल भी आप देख सकते हैं, प्लस बाल मोटा हुआ है, बालों का झड़ना कम हुआ है और डेंसिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है पहले से। हम बोल रहे हैं डॉक्टर सलमान फ्रॉम कुबरा हिजामा एंड लीज सेंटर से। आशा करते हैं आप सभी को भी ऐसे रिजल्ट मिलते रहेंगे। देखिए इनका क्राउन एरिया, ये देखिए, और ये अब देखिए बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। आशा करते हैं जो लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हों वो हमारे पास आए, इंशाल्लाह उनका समाधान होगा, सॉल्यूशन मिलेगा उन्हें। हम बोल रहे हैं कुबरा हिजामा एंड लीज सेंटर से, मैं डॉक्टर सलमान। हमारे रेट्स बहुत ही चैरिटेबल हैं, 50 रुपीज़ पर कप हिजामा के प्राइस हैं, 200 रुपीज़ पर लीज पर सेशन लीज थेरेपी का चार्ज हैं। उसके बाद भी अगर किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो जैसे लॉकडाउन है, लोगों का पैसे की कमी हो या कोई परेशानी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।